अब क्वेश्चन नंबर 32 से 34, क्वेश्चन नंबर 32 से 34, ठीक है। इसमें देखते हैं, अमित अनिल और अमित हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन और युवराज हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, गौरव और अमित क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन गौरव सुरेश वॉलीबॉल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें टेबल बना लेते हैं, बेहतर होगा, अच्छा बनेगा। तो टेबल बना लें हम अगर, तो नाम इधर रखते हैं, इधर नेम कर लें, इधर नेम कर लें, यहाँ नीचे नेम आ जाएंगे, तो इधर कर लें, इधर हॉकी कर देते हैं, ये हॉकी हो गया, ठीक, हॉकी हो गया, और हॉकी वॉलीबॉल, ये वॉलीबॉल, ठीक, और फिर बेसबॉल, ये बेसबॉल हो गया, फिर क्रिकेट, ये क्रिकेट हो गया, और फिर फुटबॉल, ये क्या हो गया, फुटबॉल हो गया। इधर नाम लिख देते हैं, नाम क्या है, इधर अनिल, ये अनिल हो गया, ये अमित हो गया, सचिन, सचिन के बाद युवराज, युवराज के बाद गौरव, गौरव के बाद सुरेश, ये सारे हो गए। इसको ये भी बना लेते हैं ऐसे, और फिर रीड आउट करते हैं, पैरा को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कौन किस में माहिर है, कौन किसको अच्छा लगता है, ठीक है। अब पढ़ें तो क्या कह रहा है, अनिल और अमित हॉकी और फुटबॉल में, वॉलीबॉल में अच्छे हैं, अमिल अनिल हॉकी, अनिल जो है हॉकी और वॉलीबॉल, हॉकी क्या है, अनिल है ये हॉकी अच्छा लगता है इसको, और वॉलीबॉल अच्छा लगता है, अमित को भी यही अच्छा लगता है, अमित को भी यही अच्छा लगता है, और सचिन युवराज हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, सचिन कहाँ है, सचिन ये है, सचिन किस में अच्छे हैं, हॉकी में, हॉकी में अच्छा है, ठीक है, बेसबॉल में भी अच्छा है, बेसबॉल ये है, बेसबॉल में भी अच्छा है, सचिन और युवराज, युवराज क्या है, युवराज भी हॉकी में अच्छा है और बेसबॉल में अच्छा है, ठीक है, ये हो गया, और गौरव और अमित, गौरव, गौरव ये है, गौरव क्रिकेट और वॉलीबॉल अच्छे लगते हैं, क्रिकेट ये हो गया, गौरव को ये क्रिकेट अच्छा लगता है, और क्रिकेट अच्छा लगता है और वॉलीबॉल अच्छा लगता है, ये वॉलीबॉल हो गया। फिर आप सचिन अमित का, अमित का रह गया अभी, अमित को भी क्रिकेट और वॉलीबॉल अच्छा लगता है, अमित ये है, उसको क्रिकेट अच्छा लगता है और वॉलीबॉल, ये लिखा हुआ है, सचिन गौरव और सुरेश, अच्छा सचिन का ही देख लेते पहले, सचिन को फुटबॉल और बेसबॉल अच्छे हैं, बेसबॉल में अच्छे हैं, फुटबॉल में सचिन ये है, सचिन फुटबॉल में अच्छा है और बेसबॉल में लिखा ही हुआ है पहले से ही अच्छा है, फिर सचिन हो गया, गौरव को देखते हैं, गौरव का, गौरव फुटबॉल और बेसबॉल में, गौरव ये है, फुटबॉल, फुटबॉल ये हो गया, और किसमें अच्छा है, बेसबॉल में, बेसबॉल में अच्छा, ये चार में अच्छा हो गया, और सुरेश, सुरेश फुटबॉल और बेसबॉल में, फुटबॉल ये हो गया और बेसबॉल ये हो गया, सुरेश फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या है, हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है, हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल, हॉकी ये और क्रिकेट ये और वॉलीबॉल ये, इनमें तीनों में कौन अच्छा है, तो देखते हैं तीनों में कौन अच्छा है, तो ये हो गया, गौरव हो गया, नहीं गौरव नहीं होगा, गौरव हॉकी में नहीं है, ठीक है, तो क्रिकेट में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा ये फुटबॉल नहीं वॉलीबॉल कह रहा है, वॉलीबॉल में, हॉकी में, वॉलीबॉल में और क्रिकेट में, इसमें कौन अच्छा है, तो हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में देखा जाए तो अमित अच्छा है, अमित जो है इसमें भी अच्छा है, ये इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा है, बेसबॉल क्रिकेट और वॉलीबॉल में, अच्छा बेसबॉल, बेसबॉल कहाँ है, ये बेसबॉल में, क्रिकेट में
वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में और फुटबॉल में, इन चारों में कौन अच्छा है, यानी इसमें 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 और इसमें, चारों में कौन अच्छा है? तो अनिल नहीं है, अमित नहीं है, सचिन नहीं है, युवराज भी नहीं है, गौरव, गौरव जो है वो चारों में अच्छा है, गौरव क्या है वो चारों में अच्छा है, तो ऑप्शन इसमें है गौरव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 34, बेसबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है? बेसबॉल, बेसबॉल ये, और फुटबॉल, फुटबॉल ये, और फुटबॉल हो गया, और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ये, इसमें कौन अच्छा है? इसमें अगर देखे तो अनिल नहीं है, ठीक है, अमित भी नहीं है, बेसबॉल में नहीं है, सचिन वॉलीबॉल में नहीं है, युवराज भी नहीं है, और गौरव, गौरव जो प्लेयर है बहुत काफी अच्छा प्लेयर है, ये इसमें भी है, तीनों में है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें भी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।